असलम डर लर्नर्स एंड वेलकम इन द वीडियो और हम इस वीडियो से पहले बात कर चुके हैं ब्रांड के बारे में स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ जो पाकिस्तान में ऑपरेट करते हैं वैसे तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ही ओपिनियन पाई जाती है लेकिन पाकिस्तान के बारे में ओपिनियन ज़्यादा पाई जाती है कि यूजली स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ अपना ब्रांड ज़्यादा अच्छे तरीके से डेवलप नहीं कर पाते हमारी बहुत ज़्यादा ऐसी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है जो कि बहुत लीडिंग ब्रांड्स के लिए इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए काम कर रही है बट वो अपना कोई ब्रांड लॉन्च नहीं करते खैर मल्टीपल रीजंस के साथ साथ कुछ रीजंस ये भी हैं कि शायद स्मॉल एंटरप्राइजेस या मीडियम एंटरप्राइज जो हैं वो ब्रांड की सिग्निफिकेंस को उस तरह से समझ नहीं पाते हैं जिस तरह के लार्ज फर्म्स या लार्ज कॉर्पोरेशन जो हैं वो ब्रांड को चलाती हैं उनकी पूरी एक ब्रांड मैनेजमेंट होती है ब्रांड uh, है क्या ये तो आप जानते हैं ब्रांड क्यों ज़रूरी है किसी बिजनेस के लिए ब्रांड करता क्या है किसी बिजनेस के लिए और सबसे बड़ी बात क्या ब्रांड और आपकी जो सेलिंग टैक्टिक्स हैं वो बड़े बहुत क्लोजली एक दूसरे के साथ लिंक हैं कि नहीं है इन सब पे बात करने के लिए अपने स्टूडियो में आज हमने बुलाया माइन को शीज ऑन टिपनो और 2016 से ऑपरेट कर रही हैं अपना बिजनेस और इसके अलावा इनका अपना एक बहुत मज़े का ब्रांड है सो माइन वेलकम इन द स्टूडियो जी थैंक यू सो मच फॉर वालकम सबसे पहले तो ये बताएं आपका जो ब्रांड के बारे में बीइंग एन ऑनटरप्रीन जो ओपिनियन है कितना ज़रूरी है किसी भी बिजनेस के लिए एक ब्रांड और प्लस बुकिश uh, हम डेफिनेशन बता देंगे स्टूडेंट को इन योर ओपिनियन ब्रांड बेसिकली है क्या ब्रांडिंग आई थिंक इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट देखें आपने अपनी प्रोडक्ट मार्केट में आप लेके आ रहे हैं तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आपका सेलिंग पॉइंट क्या है या लोग क्यों पैसे खर्च करेंगे आपके प्रोडक्ट के ऊपर एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मजार है सबसे पहले ठीक है कि अगर आप लोगों को ऑलरेडी पता है इफ़ दे फील दिस इज दिस कनेक्शन बिटवीन यू एंड देम तो वो शायद ज़्यादा ईजी उनके लिए हो अपने पैसे खर्च करना आपकी प्रोडक्ट पे या आपकी प्रोडक्ट पे ट्रस्ट करना तो आई थिंक दैट ब्रांड बिल्डिंग ब्रांड मेकिंग आर वन ऑफ द की फीचर जिसपे हम जिस तरह आप कह रही हैं हम वाकई लैक करते हैं लॉड ए पीपल अलाइक अच्छा काम शुरू कर दिया बस हमने बनाई और बेचना शुरू कर दिया एंड यू नो इनकम जनरेशन आउट ऑफ इट बट लोग अपनी ब्रांड की मार्केटिंग पे और उसकी नाम बिल्डिंग पे इतना काम नहीं करते बिल्कुल आई फाइंड बिकॉज मैं घर से केक्स वगैरह का काम करती हूँ एंड दिस इज आजकल बहुत ऑन ट्रेंड है बहुत सी होम बेस्ड बेकर्स हैं केक्स बन रहे हैं डिजर्ट बन रही हैं घर से काम कर रहे हैं लेकिन आई हैव डिवेलप मैसन वेज मेरा uh, चलता है वाली Achha, posts, और ये मेरी ब्रांड बिल्डिंग टैक्स का पार्ट है कि me, me, शायद उनको ये याद नहीं होता कि मैं क्या बनाती हूँ या मेरा नाम क्या है इवन इन मॉल्स पीपल ऑन माई स्टॉल या मुझे मॉल में मिलेगा तो ये आइसक्रीम वाली बंदी है बिकॉज डायरेक्ट उनके दिमाग से कनेक्ट हो गया हुआ है कि दिस इज हु सेल्स आइसक्रीम टॉक्स अबाउट दैट ब्रांड एंड इज ऑलवेज देयर ठीक है लोगों की ना एक किनशिप सी बन जाती है ठीक है चाहे पर्सन खुद हो या उन उस पर्सन के ब्रांड का नेम हो पहले में सोच जाती है कि अच्छा इनको हम जानते हैं इनकी प्रोडक्ट्स हमने देखी हुई हैं दैट मीन्स दैट वी कैन ट्रस्ट दैम मे बी वी कैन ट्रस्ट दम विद आवर मनी और आवर टाइम या और विद आवर अमी इन आवर के ठीक है that that yeah, or, or <laughs> <थीके>? <laughs> तो आई थिंक कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप अपने ब्रांड का एक फेस बनाएं पहले ठीक है फेस का मतलब ये है कि आप क्लाइंट को पता हो कि आप क्या बेच रहे हो ठीक है वाई आर यू डिफरेंट फ्राम अदर पीपल आपकी उसकी सेलिंग पॉइंट्स क्या हैं आपकी ऐसी चीजें क्या हैं देट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम द अदर पीपल एंड देन आपका जो एक लोगो है फिजिकल जो उसकी आपकी ब्रांड की फॉर्म है कि लोग देखें तो लोगों के माइंड में हिट हो गए ये माइंड है भिल्कुल. ठीक है या ये आपकी प्रोडक्ट है जिसका भी ब्रांड है ठीक, ठीक है सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट पीपल आइडेंटिफाई यू या पीपल रिलेट योर सेल्फ विद द ब्रांड आप मार्केट में अब क्योंकि चॉइसेस ज़्यादा है ना या तो होना सर्टन दो तीन चीज़ें के एक लेना है जाके ले लिया क्यों लोग कहते हैं कि हमने सर्टन जगह से सर्टन जगह का ड्रेस पहना हुआ है या सर्टन जगह की जीन्स पहनी हुई है बिकॉज हमें पता है कि इस इस ब्रांड की जैसे हम पहले भी बात करते हैं इस इस ब्रांड की स्टिचिंग अच्छी है इस इस ब्रांड के ना ये वाला केक अच्छा होता है इस आर्टिस्ट की ये वाली पेंटिंग अच्छी है इस कंट्री की चॉकलेट्स अच्छी होती हैं या इस ब्रांड की स्प्रेड अच्छी है पीपल वांट के चीज लेने से पहले ही पैसे खर्च करने से पहले ही अगर उनको कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मजे मिल जाता है तो दे वुड बी मोर दैट प्रोडक्ट रादर देन डूइंग एन एक्सपेरिमेंट विद समथिंग दैट्स न्यू टू देम और दे अनफेमिलियर विद दैट प्रोडक्ट आई थिंक ब्रांड बिल्डिंग उसमें बहुत जरूरी है इस चीज के लिए कि लोग आपको अंडरस्टैंड करना शुरू हो जाए लोग आपको आइडेंटिफाई करना शुरू हो जाए आपके ब्रांड को दे विल बी मोर कंफर्टेबल इन स्पेंडिंग मनी बिल्कुल ब्रांड इमेट और ब्रांड आइडेंटिटी के ऊपर हमने बहुत फोकस hmm. किया था कि एक तो बिजनेस की आइडेंटिटी है आपका ब्रांड और दूसरी बात ये हो जाती है कि ब्रांड का एक सर्टन इमेज जिस हमने कहा ना एक इमेज डेवलप हो जाता है कि अगर इस सर्टन ब्रांड के आपने शर्ट पहनी हुई है तो उसको मतलब इसकी स्टिचिंग बहुत अच्छी होगी इसका फैब्रिक बहुत अच्छा होगा इसके कट्स बहुत अच्छे होंगे ठीक है ना सो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग जब आप ब्रांड डेवलपमेंट में कामयाब हो जाते हैं तो वो सेल्स भी पुल कर लेता है आप कि इसके बारे में क्या रहा है देखिए मैं अपनी थोड़ी सी जर्नी शेयर करती हूँ यहाँ पे इनिशियली जब मैंने काम शुरू किया इन 2016 तो जैसे लोग बाकी अपने केक्स वगैरह लगाते हैं आई मेड पेज ऑन फेसबुक एंड आई वाज पोस्टिंग माय केक्स एंड माय एंड थिंग्स अब मैं ऑलरेडी आई एम अ हॉबीस्ट डिजर्ट आर्टिस्ट आप कह लें किचन में खड़े में एक्सपेरिमेंट पे चलो पकड़ा हुआ डिफरेंट तरह की चीज़ें बन रही तो मैं घर से आइसक्रीम्स वगैरह पहले बना रही थी अपनी फैमिली के लिए राइट right. तो थर्ड वीक था मेरे पेज का एंड आई वॉज गेटिंग ऑर्डर्स इट वॉजन दैट इट वॉज क्वाइट अलहमदुल्लाई गेटिंग ऑर्डर स्ट्रेट वे बट मैंने कहा कि यार क्यों ना मैं आइसक्रीम भी के कुछ पिक्चर्स पोस्ट करके देखती हूँ कि मेरा इस प्रोडक्ट का रिस्पॉन्स क्या आता है क्लाइंट के ऊपर उससे पहले मैंने कोई इससे रेलवेंट पोस्ट नहीं लगाई हुई थी तो मैंने एक आई रिमेंबर विस प्रटी लेट इन द नाइट एंड आई हैड सम पिक्चर्स मैं पहले खींच लेती हूँ पिक्चर्स जब मैं घर के लिए भी बनाती हूँ तो मैंने वो पिक्चर्स लगाई साथ मैंने सर्टन नेम सोच के आइसक्रीम्स के मैंने छोटा सा एक मेन्यू सा बना के आई पोस्टेड ऑन माई पेज एंड ना वेन टू वैट मैं सुबह उठी ना तो जो मुझे रिस्पॉन्स आया था उस प्रोडक्ट का इट वॉज़ पॉसिबली जितने मुझे थ्री वीक्स में जितने ऑर्डर्स आए थे वो सारे मुझे उतने ही एक दिन में आइसक्रीम की वजह से आ गए थे क्यों क्योंकि आई ब्रॉट समथिंग दैट वॉज न्यू एंड इट वॉज अ सिग्नेचर इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑलरेडी इन द मार्केट ठीक है तो आई थॉट अच्छा ये ऐसी प्रोडक्ट है जो मेरी फेस बिल्डिंग में या मेरे ब्रांड बिल्डिंग में काम कर सकती है ठीक है मैंने उसके फीचर्स पे काम शुरू कर दिया स्टार्टेड स्टार्ट ट्रेनिंग के अच्छा ये होम बेस्ड है ये डेरी है ये डेकोरेटेड है उसकी फ्लेवर मेकिंग पे काम शुरू कर दिया आइसक्रीम वाली बंदी का हैशटैग आ गया हर जगह यूज़ हो रहा है इवेंचुअली क्या हुआ जब लोगों ने आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया कि दिस पर्सन इज नोन फॉर आइसक्रीम्स ठीक है हैज़ अ सर्टन वे ऑफ वर्किंग इससे चीज़ लेते हैं तो हमें अच्छी लगती है कमिंग टू दिस पेज एंड बिकॉज ऑफ माई आइसक्रीम्स वो मेरे पेज पे आ रहे हैं एंड देर लुकिंग अच्छा ये तो केक्स भी करती हैं तो वाई नॉट हम इनके केक्स भी ट्राई करें ठीक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ फ्रॉम वन प्रोडक्ट right. ठीक है उन्होंने वो ट्राई कर ली हुई है मेरे ब्रांड पे ट्रस्ट आ गया उनका ठीक. उनसे एक फेमिलैरिटी हो गई और फिर उन्होंने कहा कि अच्छा इनकी कोई और चीज़ भी ट्राई करते हैं एंड देन माई आइसक्रीम स्टार्ट सेलिंग माई केक्स ठीक ठीक है अब मेरी वो प्रोडक्ट भी बूस्ट हो गई और वो बढ़ना शुरू हो गई ठीक है तो इस चेन ऑफ इवेंट्स आपने पहले कोई सिग्नेचर ऐसी प्रोडक्ट जो आपके ब्रांड का फेस हो विच मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम द मार्केट एज ए सिग्नेचर लेके आए आप और फिर आपने उसके ऊपर आप बिल्ड करते गए और उसके उसकी बेस पे बाकी प्रोडक्ट भी आपकी सेल हुई बिल्कुल क्या? बिल्कुल अच्छा हमने आ, जो लार्ज कारपोरेशन हैं उसमें तो हमने देखा है कि वो उनकी पूरी एक ब्रांड बिल्डिंग की जो पूरी कैंपेन होती हाँ. है अब तो एजेंसीज इन्वॉल्व exactly. होती हैं उनकी ब्रांड बिल्डिंग के लिए सो so, उसमें ये है कि सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट भी आ, जो है वो एड हो रही होती है उसके अलावा फेयर्स हो रहे होते हैं उसके अलावा ब्रांड से सर्टन रिलेटेड म्यूजिक भी आ जाता है, हैश टैगज आ रहे होते हैं इसके अलावा Uh, ये जो ब्रांड्स uh, हैं अब ये कोशिश करते हैं कि इवन जो जिस बैग में वो आपको अपनी प्रोडक्ट दे रहे हैं वो ब्रैग इट्स एक कस्टमर उनका ब्रांड हाँ। एम्बेसडर बन जाता है और हर जगह कैरी कर रहा है उस ब्रांड को आज तक ब्लॉगर्स ब्लॉगर्स बहुत, बहुत ज्यादा हो गए हैं वो आपकी ब्रांड डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रहे होते हैं ब्रांड uh, का जो प्रामिस ब्रेक होता है अगेन पहले हमने वो और एक्सप्लिसिट प्रामिस की बात की थी तो ब्रांड के साथ भी कुछ हमारे और एक्सप्लिसिट प्रोमिस होते हैं ब्रांड के साथ कभी कोई प्रॉमिस ब्रेक होता है तो ब्रांड uh, को रीबिल्ड करना कितना uh, hmm. मुश्किल है पहले तो हम ये कहते हैं कि ब्रांड को रीबिल्ड करना hmm. कितना मुश्किल hmm. है या ये हो जाता है स्मॉल स्केल की बात कर रहे हैं हाँ हाँ देखें कॉन्शियसली uh, uh, तो कोई भी नहीं करता लेकिन अनकॉन्शियसली मिस्टेक्स टू हैपन है और इश्यूज आते हैं लेकिन आप ब्रांड हैं ही तब तो वेन यू कैन मेक इट तो टू योर क्लाइंट ठीक हो ठीक है

हमने अपने कजन को आपकी चीज ट्राई कराई ये वी रेफ यू टू अ लवली एक्सपीरियंस एंड दिस कैन एक्चुअली गो द अदर वे अराउंड उनको चीज अच्छी ना लगे रियल दैट यू मेक इट अप टू योर क्लाइंट एंड यू बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस बैक एंड उसके जाहिर है वही तरीका है कि यू आप बैठें आप देखें कि आपसे कहाँ गलती हुई है उस मिस्टेक को ऑन करें कि हुई है नेगेट ना करें कि मैंने तो पूरी एनर्जी दी कोई बात नहीं होता रहता है यू हैव टू सॉफ री इन्वेंट योर सेल्फ यू हैव टू गो थ्रू द होल थिंग आप इन्वेस्टिगेट करें कि अच्छा प्रॉब्लम हुई क्या है एंड देन उसको इस तरह से क्लाइंट को रिफर्बिश करें कि उनकी भी तसली हो जाए कि दिस वॉज नॉट अ कॉन्शियस मिस्टेक एंड क्योंकि आप ब्रांड हैं और क्योंकि वो ब्रांड के पास आए थे तो अगर ब्रांड से गलती हुई है तो वो रिफर्बिश हो गई और लोगों के दिमाग में ये चीज़ बिल्ड हो होकर अगर ये कोई और होता तो शायद मुझे रिटर्न ना मिलता ब्रांड से गलती हुई लेकिन ब्रांड के पास आने का फायदा ये हुआ कि ब्रांड ने मुझे वो चीज़ रिफर्बिश कर दी है तो यू कैन एक्चुअली यूज अ मिस्टेक और अ फॉली ऑन योर पार्ट हमने देखी है, है किसी क्वालिटी को कन्वे करने का तो हम फिलफॉर कहती है ये ब्रांडेड प्रोडक्ट है सो ब्रांडेड मीन्स के uh, इसके साथ एक नाम जुड़ा हुआ है हाँ। और उस नाम के साथ कुछ इम्प्रेसिड प्रोमिस जुड़े हुए हैं सो इफ इट इज ब्रांडेड तो वो दोनों तरह के प्रोमिस पूरे होंगे आपसे जो सिग्नेचर्स लेते हैं दे वॉन्ट कैसे वो प्रोडक्ट नहीं लेके जा रहे हैं किसी को प्रेजेंट कर रहे हैं तो उनको भी पता हो

और कौन कौन सी मार्केट है जिस किस किस तरह से हम अट्रैक्ट कर सकते हैं क्लाइंट बिल्कुल को? ऐसे ही है सो so, यही यही एक्चुअली मैं आपके आपसे यही हम सीखना चाह रहे थे कि नंबर वन ब्रांड इसलिए भी बहुत ज़रूरी है बिकॉज आपकी एक आइडेंटिटी है बिजनेस की ही? आपकी एक पहचान हुँ. बनती है और उसी ब्रांड के साथ आपके एम्प्लिस प्रामिस जुड़े हैं और प्लस कुछ कस्टमर की भी डिमांड होती है कि इफ आई एम बाइंग समथिंग फ्रॉम यू तो वो भी ब्रांडेड होनी चाहिए तो इट्स टू वे अराउंड कि आप भी अपना ब्रांड डेवलप कर रहे हैं और कस्टमर भी आप से वो ब्रांडेड प्रोडक्ट ही लेना चाह रहे हैं वो कॉन्फिडेंस जो है ना वो बिल्ड कर रहा है अच्छा लास्ट uh, क्वेश्चन uh, जब हम किसी ब्रांड को डेवलप कर लेते हैं और हमारी एक बिजनेस आइडेंटिटी डेवलप हो जाती है स्मॉल स्केल्स पर हमने ये देखा है कि आप अपने आप को बिजनेस से बहुत अलग नहीं कर पाते यू योर से जिस तरह आपके केस में हम देखते हैं तो यू योर सेल्फ इज बेसिकली अ ब्रांड ठीक है और आप ही वो ब्रांड एम्बेसडर हैं और आप उसी ब्रांड को कैरी कर रहे हैं अनलाइक अनलाइ हम लार्ज पॉम्प में देखते हैं तो हम बड़े बड़े नाम देखते हैं hmm. ब्रांड्स के हमें नहीं मालूम होता कि पीछे कंपनी कौन सी है exactly. और कौन सी टीम इसको हाँ. चला रही है ये कितना क्रिटिकल हो जाता है यानी इन अदर वर्ल्ड ऑनटरप्र की जो क्रेडिबिलिटी hmm. है उसके ब्रांड की क्रेडिबिलिटी से बहुत क्लोजली लिंक hmm. होती है ये कितना नाजुक रिलेशनशिप है आपकी ओपिनियन में I think this varies from venture to venture. अच्छा आई थिंक दिस वेरीज फ्रॉम वेंचर टू वेंचर अच्छा ठीक है आप देखिए बहुत से इस तरह के जैसे आप बात करिए कमर्शियल ब्रांड्स हैं कपड़े के शूज के यू नो द ब्रांड नेम्स

वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल बिकॉज आई लाइक आई प्रोट्रेट माई ब्रांड टू बी माई सेल्फ यस ठीक है अच्छा मैं दिस परसन आई रिप्रजेंट माई सेल्फ एज एन ऑन्टरप्रन्योर आई रिप्रेजेंट माई सेल्फ एज ए सोशल ऑन्टरप्रेन्योर एज वेल अच्छा मैं ऐसे आ, लोगों के करियर बिल्डिंग में काम कर रही हूँ या जिस ता, इस तरह की वर्कशॉप में मैं जाती हूँ आई रजेंट माई सेल्फा बेकरस कम्यूनिटी के लिए काम कर रही हूँ ये चीज़ें जो मेरी पर्सन की हैं या जो मेरा पार्ट है या जैसे मेरा नेचर है दिस आउट गोइंग इन सारा कुछ लोगों के साथ हंसी मजाक ऑल ऑफ दिज थिंग्स लोगोसिएट करते हैं, हैं। माइंड की चीज़ अच्छी हो ना हो उनके कैप्शन बड़े अच्छे होते हैं उनका हैश टैग हमें याद रहता है कि हमने आपकी ये ये चीज पढ़ी थी पीपल डू रिलेट दर्सन टू द ब्रांड एज वेल अब वो जाहिर है नॉट एवरी वन वेस अटैच हो तो मीन यू हैव टू डू दिस बट दैट कैन बी अवे टू सेल योर ब्रांड के आप अपना ब्रांड ही बन जाए एक तरह से चाहे आप बिजनेस शुरू करने लगे हैं बहुत क्रिटिकल है बिकॉज वो आपकी आइडेंटिटी बनता है इनिशियली स्मॉल स्केल्स पर हमने ज्यादातर यही देखा है कि एक ऑन ही अपनी ब्रांड की रिफ्लेक्शन होता है और जिस तरह माइन ने कहा कि आप ब्रांड और ब्रांड आपकी रिफ्लेक्शन होता है लेकिन ब्रांड आइडेंटिटी और इमेज चाहे आप अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं ख़ास तौर पे जब आप ग्रोइंग स्टेज पर होते हैं उसमें तो ये और भी क्रिटिकल हो जाता है कि आप अपने ब्रांड को इस्टेब्लिश करें एंड बाय इस्टैब्लिशिंग योर ब्रांड मीन्स नंबर वन ब्रांड के जितनी भी इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमने कहा था कि आपका लोगो आपका कलर आपकी हैश आपकी लाइन या कोई म्यूज़िक आप ऐड करना चाहते हैं उसके साथ वो और प्लस उसके साथ जो एक इमेज जुड़ा हुआ है Uh, जिसके अंदर बहुत से इंटरेस्ट प्रोमिस होते हैं ये सारी की सारी चीज़ें ब्रांड के साथ जुड़ी होती हैं क्रिटिकल इसलिए है बिकॉज ये आपकी बिजनेस आइडेंटिटी है आपकी पहचान है आपकी कंपैक्टर्स के लिए भी ब्रांड आपकी पहचान है और आपकी कस्टमर्स के लिए भी ब्रांड जो है वो आपकी पहचान है सो ब्रांड इज़ रियली इम्पॉर्टेंट थिंग आप इसके ऊपर ज़रूर स्पेशली फॉर द ग्रोइंग बिजनेस अपने जो ब्रांड है उसको जरूर जो है वो इस्टेब्लिश करें सी यू यून द नेक्स्ट वीडियोज़